इस वक्त हम मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद के ठीक बाहर मौजूद हैं और हमारे आसपास आप ये पुलिस के जवानों की तैनाती, रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की तैनाती देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कुछ अनहोनी जैसी चीज है। दरअसल मथुरा के कुछ तथाकथित हिंदूवादी संगठनों ने ऐलान किया है कि वो 6 दिसंबर को हमारे पीछे जो आप देख पा रहे हैं शाही ईदगाह मस्जिद, इस शाही ईदगाह मस्जिद में जलाभिषेक करेंगे। जब से ये जानकारी मथुरा पुलिस को मिली है उसके बाद पूरे मथुरा में 144 धारा लागू कर दी गई है और खासकर जो शाही मस्जिद है इसके बाहर अगर आप देखें तो भारी सुरक्षा यहाँ पर जो है बनाई गई है। बकायदा ये बैरिकेड बनाया गया, इसके अंदर अगर कोई दाखिल होता है तो बकायदा उसका पहचान पत्र जो है वो चेक किया जाता है और कम से कम 5 लेयर की जो सिक्योरिटी है यहाँ पर वो बनाई गई है ताकि परिंदा भी पर न मार सके। खास तौर पर 6 दिसंबर को जिस तरह से ऐलान किया गया था उसके बाद मथुरा पुलिस बकायदा सोशल मीडिया पर भी नजर रख रही है और अब तक भड़काऊ पोस्ट आप देख पा रहे हैं इस तरीके से जो यहाँ गेट के अंदर दाखिल होता है बकायदा उसका पहचान पत्र चेक किया जाता है, उसकी पूरी तलाशी ली जाती है, उसके बाद ही अंदर जो है वो दाखिल होने दिया जाता है, जबकि यहाँ से ईदगाह मस्जिद कुछ ही दूरी पर मौजूद है। उसके अलावा अगर बात करें तो मथुरा पुलिस ने अभी तक 4 FIR दर्ज की है सोशल मीडिया पर जिस तरह के भड़काऊ पोस्ट किए गए थे उसके बाद 4 FIR दर्ज की थी। 6 दिसंबर की बात करें तो जो कृष्ण जन्मभूमि स्थान है उसके अलावा शाही जो मस्जिद है जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं यहां पर, यहां से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर तक जो ट्रैफिक है वो बाधित रहेगा। मथुरा पुलिस ने साफ साफ कह दिया है कि 6 दिसंबर को जो कृष्ण जन्मभूमि है वहां पर और शाही मस्जिद है वहां पर ट्रैफिक की आवाजाही नहीं होगी। पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था मथुरा की सड़कों पर आपको देखी जा सकती है, जगह जगह पर इस तरीके से जो मथुरा पुलिस के जवान है, PSC के जो जवान है, उसके अलावा जो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान है वो आपको दिखाई देंगे। यानी अगर कोई उपद्रव करने की कोशिश करता है तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा, ये साफ मैसेज देने की कोशिश की गई है। इसके अलावा कुछ जो उपद्रवी तत्व है उनको भी मथुरा पुलिस ने नजरबंद किया हुआ है। कैमरामैन अनूप के साथ अरविंद ओझा, मथुरा आज तक।